आज जुमा का दिन है, देख सकते हैं कोई भी टूरिस्ट या क्लाइंट या फोटोग्राफर या कोई नहीं है, सिर्फ कर्मचारी ही मिलेंगे आज के दिन आपको। होने की वजह से ताजमहल में ना टूरिस्ट है ना कोई है, सिर्फ कर्मचारी ही मिलेंगे हमको। को शुक्र को ताजमहल का देखने का नज़ारा ही अलग है। दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जिसमें लाखों लोग आते हैं डेली, उसका एकाएक सोनापन देख के बड़ा अजीब सा बड़ा अच्छा माहौल लगता है। और देख सकते हैं आप, कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई नहीं है, आज खाली है। शुक्रवार फ्राइडे या जुम्मा होने की वजह से ताजमहल में कोई भी टूरिस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा ताजमहल खाली पड़ा हुआ है, नहीं कुछ नहीं, खाली ताजमहल देख सकते हैं। एक अलग ही मज़ा देखने का मज़ा चंद लोगों को नसीब होता है। देख सकते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और कंप्लीट बिल्डिंग, देख सकते हैं कोई भी इंचेस भर की कोई गलती इस ताजमहल में नहीं है। लोग 100 गज का मकान बनाने में कितनी गलतियां करते हैं, ये 400 साल पहले बना है, कोई गलती नहीं है इंचेस भर की इसमें। देख सकते हैं आज कितना खूबसूरत, कितना शानदार लग रहा है। क्राउड ना होने की वजह से बहुत शानदार बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे खूबसूरत और कंप्लीट बिल्डिंग। ताजमहल के लिए जा रहे हैं और अब हम लोग ताजमहल की शाही मस्जिद में जा रहे हैं, क्योंकि नमाजियों के लिए एक अलग से ही रास्ता दिया गया है। देखिए बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं ताजमहल की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए। मस्जिद के हम बहुत करीब हैं, मस्जिद दिखाई देने लगी है। देखिए साइड में मस्जिद है। देखिए ताज मस्जिद में जाने से पहले मुस्लिम लोग वुज़ू करते हैं, या कुछ लोग वुज़ू भी कर रहे हैं शुक्रवार के दिन। ये देख रहे हैं, वुज़ू करने वाले कुछ लोग नमाजी मस्जिद में जाने से पहले। ताजमहल की मस्जिद में इमाम साहब अजान देते हुए